आमका लगा दे आज तीसरी अल्प नाइट अभी। सत्य कह रहे हो, आज तुम्हारी तीसरी अल्प तुम्हारे प्राणों को समाप्त करेगी। चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। ऐसे हमारा तुम्हारा युद्ध नहीं होगा। फिर कैसे होगा? हमारा तुम्हारा युद्ध होगा नियम संयम कानून व्यवस्था से। युद्ध के कोई नियम भी है आपके? काहे नहीं नियम होते भाई, हर एक युद्ध क्या नियम होते है। परंतु आपका नियम क्या है? हमारा नियम है, सुनो लियो, ये बॉर्डर की रेखा है, देख लो, यह बॉर्डर की रेखा है और तुम अपने खानम खड़े हो, हम अपने खानम खड़े हन। हम लड़ते लड़ते तुम्हारे घर आ जावे कोई बात नहीं, तुम रेखा पार नहीं कर सकत, नियम यू है। ये कैसा नियम है? अगर आप हमारे तरफ आ सकते हो तो मैं भी तो आपकी तरफ आ सकता हूँ। हम चले जाओ कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आपके नियम हमें स्वीकार है, रण करने के लिए तैयार हो जाओ। और सुन लो, जब हमार मन हमार हो लड़ा करब लड़ा करब, हमारी इच्छा हो जाए तो लड़ाई बंद, हमारी इच्छा हो तो लड़ाई चालू। ठीक है, तुम्हारी सभी शर्तें हमें स्वीकार है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। पाला देखो भैया, पाला की वह बन रहा हो, तहरान हमारे पालम ना आयो। चल ये कौन सा नियम है? लड़ते लड़ते हमें पीठ क्यों दिखाते हो? हम छत्री हैं, हम पीठ पर वार नहीं करते, हम सीने पर प्रहार करते हैं। तुम स्त्री हो। हम छत्री पुरुष हैं, हम कभी पीठ पर वार नहीं करते, हम सीने पर ही प्रहार करते हैं। अच्छा, तुम आगे से मारते हो, पाछे से नहीं मारते हो, तो तुम्हारे बप्पा हम का नहीं मारी पाई है। चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। आओ आओ। इधर देखो, इधर आगे आओ भैया, आगे आओ, रुको 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 रुकी, हाँ आगे कादरा, हम छत्री पुरुष आगे सेवार करिए। महाराज बाण लगवा, क्या हो गया रे? आध्या गांसी बैठ गई हो। महाराज निखारो, तो नहीं जल्दी बस से निकलवा जा करके। ओहो महाराज, अरे रुको यार, बर्दाई ना करो, तनी आराम से हलाई डोल लगे निखारो, तनी आगे पीछे कह दियो, आगे पीछे तनु यार, कसा बाण होए तनु क्या कह रहा रे? कसा बाण होए तनु चिकना लगाई लियो। यहाँ चिकना? ओ चिकना नहीं है यार, तो तनी थूंकू ही लगाई। नादान बालक, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा, चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। चल यही क्या तूने किया तपसी बच्चे? मेरे द्वारपाल को घायल कर दिया और मेरे भ्रात तीसरा को तूने समाप्त कर दिया। नहीं तपसी बच्चे, नहीं, अब तू कदापि नहीं जीवित यहां से जाएगा। तपसी बच्चे,
शायद तू यहाँ से जीवित नहीं जाएगा, शायद तू इस दूसरा के बारे में नहीं जानता है तापसी बच्चे। और मेरे सन्मुख आना तपसी, कोई बच्चों जैसा खेल नहीं। मेरे सन्मुख आना तपसी, कोई बच्चों जैसा खेल नहीं। मेरी वह मारो करारी है, कोई भी सकता खेल नहीं। मेरी वह मारो कोई भी सकता खेल नहीं। तापसी बच्चे, शायद तू मेरे बारे में नहीं जानता है, तूने मेरे भाई तीसर को समाप्त कर दिया, आज तेरी मृत्यु निश्चित है, तो यहां से जीवित नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अरे राक्षस राज, अपने भाई की हालत को देखकर कि तुम्हें भय नहीं लगा, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं राक्षस राज कि मारब तीर तीर पर तीरा, तीर पर भग जाओ, अन्यथा तुम्हारे शरीर में इतने बाणों का प्रहार करूंगा आपका सारा शरीर छलनी हो जाएगा। तो मेरे बाण मारेगा, लेकिन शायद तू जानता नहीं है तापसी बच्चे, और असुर राजा के रहते पृथ्वी पर मच सकता है अंधेर नहीं। के रहते पृथ्वी पर मच सकता है अंधेर नहीं। जंगल में शेरों के सन्मुख की दर्पण सत्य से, जंगल में शेरों के सन्मुख गीता बन सकते शेर नहीं। सूरज के रहते पृथ्वी पर मच सकता है अंधेर नहीं। जंगल में शेरों के सन्मुख तो जैसे गीदड़ शेर क्या बनेंगे रे? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी इच्छा हम उसे पूर्ण करेंगे, रण करने के लिए तैयार हो जाओ। चल, अगर ऐसी बात है तो चल तैयार हो जा तापसी बच्ची, तैयार हो जा। Thank you.
और इधर भगवान श्री राम जी के द्वारा दूसरा व तीसरा का संहार हो जाता है। अब चलते हैं महाराज खड़ के पास। किसलिए गुहार कर रहा है महाराज? बहुत गजब हो गया महाराज। क्या हुआ क्या हुआ बोल महाराज? हाँ दूसरा व तीसरा का क्या क्या बोल दूसरा व तीसरा आ करे महाराज रावे वाली बात। द्वारपाल मैं आ गया हूँ, डर मत, बतला क्या हुआ। दूसरा व तीसरा का हाँ रण क्षेत्र में हाँ संहार हो गया। नहीं मेरा भ्राव, दूसरा तीसरा का संहार करने वाला कौन? वह है 50 ग्राम के लड़का महाराज। चल बतला मुझको। चलो महाराज द्वारपाल बोलो वो कहाँ है महाराज? आप उस वृक्ष के नीचे देखो महाराज, देखो एक वो साधारण सा लड़का बैठा है। कौन सा? इसमें बहुत से लड़के। इधर नजर घुमाएंगे देखो महाराज, इधर देखो एहे मारिन है तुम्हारे दोनों भाइन के। हाँ। यही बालक है? हाँ बालक इधर आ। कहिए श्रीमान क्या कहना चाहते हो? मेरे भाई दूसरा तीसरा का वध करने वाला तू ही है? तुम्हारे भाइयों का वध करने वाला मैं ही हूँ। मेरी 14,000 सेना का संहार करने वाला तू ही है? अवश्य। आपकी 14,000 सेना का संहार हमने ही किया है। मेरी बहन के नाक और कान तूने काटे? आपकी बहन के नाक और कान हमने नहीं, हमारे छोटे भैया लक्ष्मण ने काटे। छोटे भैया ने? तेरा छोटा भैया कहाँ है? हमारा भाई बनो की तरफ गया है। जो भी इच्छा हो हमारे सामने प्रकट कर सकते हो। अच्छा। और हमारे श्रीमान भीम, श्रीमान भीम यही भगवंत पुरुष है, इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार हमारी यादव पार्टी को, और शीतल श्रीवास्तव भगवंत पुरुषी इनके द्वारा 200 रुपया, गुड्डू वर्मा भगवंत पुरुष 50 रुपया, उत्तम गोस्वासी इनके द्वारा 200 रुपए का सहयोग मेला कमेटी को धन्यवाद। द्वारपाल यार मैं समझता था कोई बहुत बड़ा महान योद्धा होगा, तो छोटा सा बालक है, इससे मैं क्या युद्ध करूं? द्वारपाल अरे कोई सेना भारी हो तो रण कौशल से दिखाए हम इस छोटी धनी वाले पर क्या अपने अस्त्र उठाए हम।